हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू इंडियन। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप देख पाएंगे M10 की पावर बैंक का एक अनबॉक्सिंग वीडियो एंड माय इनिशियल इंप्रेशन अबाउट M10 पावर बैंक। तो देखते रहिए टेक टू इंडियंस। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू इंडियंस अगेन। आज इस वीडियो में आपको मैं M10 की पावर बैंक का एक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये बॉक्स मुझे मिला है फ्लिपकार्ट से। अभी मुझे एक कुरियर आया है जो फ्लिपकार्ट से है और इसमें मुझे मिला है M10 का एक पावर बैंक। तो अभी मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें मुझे मिला है एक M10 पावर बैंक का एक बॉक्स। इसमें कोई पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं मिली है या फिर प्रोडक्शन के लिए थर्माकोल या बबल्स के रैपर भी नहीं थे। तो ये रहा बॉक्स M10 का। तो यहाँ पे इनकी टैगलाइन दी गई है और उसके बाद पीछे से आपको इसकी डिटेल मिल जाती है कि ये दिल्ली में प्रोडक्शन हुआ है इसका, और इसकी प्राइस यहाँ पे दी गई है 2,500, बट फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है सिर्फ 799। यानी मैंने बिग बिलियन सेल में इसे बाय किया है सिर्फ 800 रुपये में। अभी भी ये 800 रुपये में या 1,000 रुपये के बीच फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए, अभी इसका एक सील दिया गया है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से इसे सील दिया गया है। अभी इसको सील को फोड़ते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये 1300 mAh की पावर बैंक है। तो मैंने पिछली बार जो कि एक पावर बैंक बाय की थी जो थी 10,000 mAh की, तो अभी मैंने इसको बाय किया है। तो ये मेड इन इंडिया डिवाइस है। अगर आपको मेड इन इंडिया डिवाइसेस पसंद है तो आप ज़रूर से इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर से हमें एक बॉक्स मिला है वाइट कलर में। तो वाइट कलर के बॉक्स में अभी हमें कुछ मिलने वाला है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। हमें एक पावर बैंक मिली है, पावर बैंक का मेन डिवाइस, और उसके बाद हमें मिला है एक कनेक्टिंग केबल जो फ्लैट कनेक्टिंग केबल है, और उसके बाद हमें मिला है यहाँ पे मैनुअल, और बाकी कुछ नहीं है बॉक्स में। तीन ही चीज़ें यहाँ पे मिली है हमें। तो उसके बाद मैनुअल में देखते हैं, यहाँ पे यूज़र मैनुअल है। यहाँ पे सारी पावर बैंक के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इसका यूज़ कैसे करना है, इसके रेटिंग के बारे में, इसके आउटपुट इनपुट के बारे में सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं इसके फ्लैट केबल कैसे है। तो फ्लैट केबल की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बट फ्लैट केबल की लंबाई काफ़ी कम है, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप दूसरी बाय कर सकते हैं, मगर ये भी काफ़ी क्वालिटी में काफ़ी अच्छे है। और उसके बाद चलते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ जो है M10 का पावर बैंक, और इसका नंबर है P1310। तो उसके बाद इसे खोलते हैं। तो अभी मैंने इसको सिल्वर एंड ब्लैक कलर में मैंने इसे बाय किया है फ्लिपकार्ट से। आपको अलग अलग वेरिएंट में ये मिल जाता है। आगे से आपको एक पावर की दी गई है, ऊपर से आपको एक LED है और एक माइक्रो USB का प्लग है। तो यहाँ पे आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं, और साइड से आपको मिल जाता है दो प्लग, जिसमें जिनमें से एक है 1.5 एम्पेयर का और दूसरा है 2.1 एम्पेयर का, और बाकी तरफ से आपको प्लेन सरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद आपको पीछे से इसका मॉडल नंबर है P1310। इसका आउटपुट है 1.5 एम्पेयर एंड 2.1 एम्पेयर, और AC प्लग 5 वोल्ट पे चलते हैं। तो एक बार इसे प्रेस करने के बाद आपको बैटरी कितनी चार्ज है इसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है, और डबल प्रेस करने के बाद आपको LED ऑन का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इसमें। झुक के भी पावर बैंक में ऐसा ही सेम फीचर था, बट उसकी जो रेटिंग थी यानी कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी, यानी 10,400 mAh की थी, और इसमें 13,000 mAh की बैटरी हमें मिली है। तो काफ़ी क्वालिटी अभी यहाँ पे अच्छी दिख रही है, बट कुछ ही दिनों में मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद टोटल और फुल एंड फाइनल रिव्यू मैं इसके बारे में देने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं इसे कनेक्ट करके मेरे मोटो ई मोबाइल के साथ। मेरा मोटो ई टू का डिवाइस है, यहाँ पर मैं इसे चार्जिंग के लिए लगाने वाला हूँ। तो देखते हैं अभी इसे चार्ज कैसे होता है, और मैं दोनों प्लग में इसे इंसर्ट करके भी देखने वाला हूँ। जो कनेक्टिंग केबल है ये नई होने के कारण इंसर्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाएंगे तो आराम से ये स्लॉट में चल जाएंगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये चार्जिंग हो रही है। अभी मैंने फ़िलहाल
2.1 एम्पीयर के पोर्ट में इसे डाला है और देखते हैं अभी इसे 1 एम्पीयर के पोर्ट में भी डाल के। तो यहाँ पे निकाल लिया इसे और डाल दिया और यहाँ पे हमें क्विक नोटिफिकेशन आ भी गया और चार्जिंग होने लगी बैटरी अभी। तो इसको भी मैं फ़िलहाल यूज़ करने वाला हूँ कुछ दिन, और कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि इसको चार्जिंग के लिए कितना वक्त लगता है, इसके प्रिकॉशन कौन से है, कैसे इसे यूज़ करना है, कौन कौन से डिवाइस इस पर चल सकते हैं और डिस्चार्जिंग के लिए इसको कितना समय लगता है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको आगे वाली वीडियो में देने वाला हूँ। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपने अभी चूक का वीडियो नहीं दिखा है तो आप मेरा चूक पावर बैंक का भी वीडियो मेरे चैनल से देख सकते हैं, मैंने नीचे यहाँ पे लिंक डिस्क्राइब कर दी है, वहाँ से आप जा सकते हैं और देख सकते हैं चूक पावर बैंक का भी रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।